कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरजीत सिंह। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो हर किसी से रिलेट करता है और हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो कैरियर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं जी आपको एजुकेशन चाहिए, आपको डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी काम करने के लिए। तो मैं इसी के ऊपर आज कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी लाइफ में डिग्री का कितना इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करने वाले हैं किसी भी स्किल्ड वर्क की, बात करने वाले क्रिकेट की, बात करने वाला हूं सिंगिंग की, बात करने वाला एक्टिंग की, इनमें से किसी भी चीज के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं या ऐसी या एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पर आपको डिग्री दिखानी है। अगर आपको क्रिकेटर वगैरह बनना है तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आपको उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एजुकेशन वही बहुत इंपॉर्टेंट है जिस जगह पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और दुनिया में कोई भी बड़े बड़े जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हुए, किसी को डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। डिग्री की रिक्वायरमेंट उनको नहीं पड़ती जिनके पास स्किल्स होते हैं। और अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने वाला हूं कि जब थ्री इडियट्स मूवी लॉन्च हुई थी उस वक्त आमिर खान ने क्या करा था, आस पास की एक जो फैक्ट्री है ना, कुछ मजदूरों को बुलाया था। हर मूवी का क्या होता है कि जब कोई मूवी रिलीज करने लगते हैं उससे पहले कुछ लोगों को दिखा के मूवी के रिलीज रिव्यूज लिए जाते हैं कि उनको मूवीज कैसे लगी और मूवीज के क्या रिव्यूज हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने 30 साल लोगों को, कुछ फैक्ट्री से काम करने वालों को बुलाया और उनको वो मूवी दिखाई। उस मूवी को देखने के बाद में हर किसी ने अपने अलग अलग व्यूज दिए। तो उसमें से एक बंदा उठा, उसने आमिर खान को बोला कि इसके अंदर आप रणछोड़ दास तो थे नहीं, तो आपके पास इतनी हाई लेवल की डिग्री भी नहीं थी, उसके बाद भी आप इतने सारे आपने आविष्कार कर लिए और इतने सारे जापानीज आपको सर्च कर रहे थे, और तो ऐसा क्यों हुआ? तो आमिर खान ने जवाब दिया कि डिग्री जो होती है ना, कभी एक एजुकेशन को फिक्स नहीं करती है कि डिग्री सब कुछ है। अगर आप मुझे मानते हो कि बहुत अच्छा एक्टर हूं, तो उसने बोला हाँ जी मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा एक्टर है, तो कह रहा मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है एक्टिंग की। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई करा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जो फैक्ट्री में आप काम करते हो सबसे स्किल्ड तरीके से आप काम करते हो, सबसे एक्सपर्ट आपको ही मानते हैं। तो वो एक्सेप्ट कर गया कि हाँ जी होता है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई डिग्री है, उन्होंने बोला जी नहीं मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। इसी तरीके से हमारे बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, या बड़े बड़े प्लेयर्स हुए, बड़े बड़े सिंगर्स हुए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है किसी के पास बहुत डिग्री है, लेकिन उनके पास अपना विजन था और उनके अपने टारगेट्स थे, उनके अपने स्किल्स थे जिन स्किल्स पे उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने सारी सक्सेस उसी के बेसिस पे ली है। तो एज पर माई व्यू डिग्री उसी प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और जिन लोगों ने एजुकेशन नहीं लेनी, जिनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन लोगों को डिग्रीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने स्किल्स और अपनी मेहनत के पीछे भागना चाहिए, अपने स्किल्स को मजबूत करना चाहिए, उतना उसको उनको इतना शार्प करना चाहिए कि वो उस प्रोफेशन में जाके नंबर वन बनने की कोशिश करें। और उसी अगर एजुकेशन ले रहे हम तो हम एवरेज 24 से 25 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, और अगर हम 10th या 15 या 14 साल से हम अपने उसी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करने लगे जिसके हमें अचीव करना है, जिसको हमें अपने लाइफ में चाहिए, अगर हम उन्हें उनको तब से शार्प करना शुरू कर देंगे, तो जब 24 25 साल के हम होंगे, हम एक लेवल पे होंगे, हम एक मुकाम पे होंगे और दुनिया हमको वहां पे जान रही होगी। तो जितना टाइम हम डिग्रीज को इकट्ठा करने में लगाने वाले हैं जो हमारे काम नहीं आने वाली, उसकी वजह से बेटर है कि हम उतना टाइम उस जगह पे लगाएं कि जहां पे हम अपने स्किल को डेवलप कर पाएं और अपनी चीजों को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों ये बहुत क्लियर है कि आपको डिग्री की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पर आपका स्किल्स है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में जाना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर है इस तरीके की किसी प्रोफेशन में जाना है, तब आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जैसे आप क्रिकेट में जाना है, एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, इस टाइप का किसी भी तरीके के उस एजुकेशन उसमें जाना है, सॉरी कि और किसी में भी जाना है, तो आप अपनी स्किल को उसकी बेसिस के ऊपर डेवलप करें, ना कि आप डिग्री को क्रिएट करने में अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी इस तरीके से आपके कुछ व्यूज हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा कमेंट बॉक्स नीचे है, आप में अपना व्यूज डालें। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ अपने अच्छे व्यूज देंगे तो मेरे को